हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे फीफो और लीफो के बारे में, जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है इन्वेंटरी और स्टोर मैनेजमेंट। इस सीरीज के अंदर मैं इन्वेंटरी और स्टोर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि आपके सारे इन्वेंटरी और स्टोर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे मैंने बताया आपको, फीफो और लीफो है। फीफो और लीफो एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक तरीका है, जो कि उसको डेट ऑफ परचेज के हिसाब से, डेट ऑफ प्रोड्यूस के हिसाब से हम स्टोर के अंदर मैनेज करते हैं। अब जान लेते हैं एक एक करके कि दोनों चीज है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं फीफो। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक ऐसा तरीका है जो कि डेट ऑफ परचेज के हिसाब से मटेरियल को पहले कंज्यूम करता है। मतलब कि जो मटेरियल पहले आया है वो पहले कंज्यूम होगा, या पहले सेल होगा, या पहले डिस्पैच होगा। फॉर एग्जांपल, एक मटेरियल मेरा 1 तारीख को आया, 1 10 तारीख को आया, 1 15 तारीख को आया, तो जो मैं पहले कंज्यूम करूंगा वो 1 तारीख वाला करूंगा, फिर 2 तारीख वाला करूंगा, फिर 15 तारीख वाला करूंगा। इसको आप आसान शब्दों में ऐसे भी याद कर सकते हो, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। अब फीफो के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में आते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसका है कि जब हम मेट्रो स्टेशन में जाते हैं, या बस स्टैंड पे होते हैं, या रेलवे स्टेशन में होते हैं, तो हमें लाइन से ही एंट्री मिलती है। तो ये क्या है? फीफो। जो पहले बंदा एंट्री करता है एयरपोर्ट के अंदर या मेट्रो स्टेशन के अंदर, उसको ही पहले अंदर आने दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? फीफो। इसी तरीके से जो हमारे किचन के अंदर या हमारे घर के अंदर जो खाने पीने की चीजें होते हैं, वो भी हम फीफो के सिस्टम के हिसाब से इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि अगर हम दूध परचेज करने जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया लेटेस्ट वाला दो। ऐसा नहीं होगा कि 24 तारीख को मैं 20 तारीख वाला दूध ले लूंगा, मैं बोलूंगा मुझे 23 तारीख का दो या 24 तारीख का दो। तो ये क्या हो गया? फीफो। एक और एग्जांपल देखते हैं फीफो से रिलेटेड, जो घर में हमारे इस्तेमाल में आता है, कि हमारा आटे का जो डब्बा होता है, हमने उसको एक बार 10 किलो से भर दिया, तो क्या हुआ, मंथ के एंड पे जाके उसमें 2 किलो आटा या 1.5 किलो आटा रह गया, हमने उसको टॉप अप करना है, उसको दोबारा से भरना है। जब हम उसको दोबारा से भरेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं उसी के ऊपर नया आटा डाल देंगे। हम क्या करेंगे? जो पहला वाला आटा है उसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और जो नया आटा है उसको दोबारा से उसके अंदर, डब्बे के अंदर डाल देंगे। तो क्या होगा? ये सिस्टम फीफो सिस्टम फॉलो हो गया, कि जो नया वाला मटेरियल है वो नीचे चला गया, और जो पुराना वाला मटेरियल है वो बाहर आ गया, या हमने उस आटे के ऊपर उसको डाल दिया। तो ये क्या हुआ? फीफो हो गया। और ऐसे ही जैसे वाटर लाइन होती है, वाटर लाइन में भी पानी एक तरफ से चलता है, एक तरफ से बाहर निकलता है, ये भी क्या होता है? फीफो होता है। जब पहले पुराना वाला पानी निकलेगा, अगर उसके अंदर कोई पुराना पानी फंसा हुआ है, तो पहले वो बाहर आएगा, फिर जो नया पानी है वो पीछे से जाएगा। तो ये क्या हो गया? फीफो। अब जान लेते हैं लीफो। लीफो सिस्टम क्या है? जस्ट इसका उलट है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो मटेरियल स्टोर के अंदर सबसे बाद में आया, या जो मटेरियल हमने सबसे बाद में खरीदा, या जो मटेरियल सबसे बाद में हमने प्रोड्यूस किया, उसको हम पहले कंज्यूम कर लेंगे, या पहले बाहर निकाल देंगे, या पहले सेल कर देंगे। ये क्या हो गया? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल उसका उलट। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जो बाद में आया है वो पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हो कि मटेरियल, 4 मटेरियल आए, हमने उसको सीक्वेंस के हिसाब से लगा दिया, 1 2 3 4। जब इसको मैं निकालूंगा तो क्या है? पीछे से ये बंद है, जो बिल्डिंग है ये बंद है, जो पीछे से निकाल नहीं सकते इसको, हम निकालेंगे आगे की तरफ से। तो ये क्या हो गया? लीफो सिस्टम। जनरली जो स्टैकिंग होती है, स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब मटेरियल रखा जाता है, वो लीफो होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप तस्वीर में भी देख पा रहे हो कि अगर मैंने कॉइन लगाए, कॉइन मैंने 10 कॉइन लगा दिए, अब मुझे नीचे का कॉइन निकालना है तो ऊपर के कॉइन हटाने पड़ेंगे, और या फिर मैं नया कॉइन लेके आऊंगा वो उसके ऊपर लगता हुआ चला जाएगा। ऐसी हमारी कंपनीज में भी क्या होता है कि रॉ मटेरियल मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरा 10 टन माल मैंने मंगाया, उसमें से 2 टन माल रह गया, फिर दोबारा से मैंने 10 टन मंगा लिया, तो अगर मैंने वो मटेरियल पहले अलग कर लिया, उसके बाद 10 टन मटेरियल डाला, तो हो गया फीफो सिस्टम। अगर मैंने वो अलग नहीं किया, उसी के ऊपर दोबारा से वो नया वाला मटेरियल डाल दिया, तो वो क्या हो गया? लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि जो पुराना माल है वो दबा हुआ रह गया, और जो नया माल है वो पहले निकल जाएगा। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि लीफो सिस्टम और फीफो सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि मेरे स्टोर के अंदर कोई 3 मटेरियल आए, मैंने स्टोर के अंदर उनको इन किया और मार्क कर दिया 1 2 3 4। 1 का मतलब है ये मटेरियल पहले आया,
टू उसके बाद आया, थ्री उसके बाद आया। अब जब फीफो सिस्टम काम करेगा उसके अंदर क्या होगा कि वन टू थ्री, हमने स्टैक तो ऐसे ही कर लिया, वन टू थ्री सिक्वेंस में लगा लिया उसको, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसका इन और आउट अलग अलग होंगे, मतलब कि हम इसमें एक तरफ से इन करेंगे एक तरफ से निकालेंगे। जब हम वन मटेरियल को कंज्यूम करेंगे टू और थ्री को आगे खिसका देंगे ताकि चौथे मटेरियल के लिए आगे जगह बच जाए, पीछे की तरफ जगह बच जाए। तो ये क्या हो गया फीफो सिस्टम। वहीं लीफो सिस्टम में क्या होता है कि ये पीछे से बंद है बॉक्स, इसके अंदर हमने लगा तो बिल्कुल सेम सिस्टम से लिया फीफो के हिसाब से, वन टू थ्री जैसा आप ऊपर भी देख रहे हो और नीचे भी देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा एकदम सेम सिस्टम से लगे हुए हैं। लेकिन क्या होगा जब मैं इसको निकालूंगा तो वन वाले को निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो इनपुट और आउटपुट गेट है वो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तीन निकालूंगा फिर दो फिर एक। तो ये क्या हो गया लीफो सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों के डाउट जो है लीफो और फीफो को लेके क्लियर हो गए होंगे। अब जान लेते हैं कि अगर हम फीफो सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं किसी कंपनी के अंदर तो हमें क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा मिलता है कि जो इन्वेंट्री है वो नेचुरली मूव करती है। नेचुरली का क्या मतलब है कि जो पुराना माल है वो पहले खपता है और नया माला माल जो है वो बाद में खपता है, नेचुरल चलता है, नेचुरल साइकिल होती है ना, जैसे नदी में पानी बहता है ऐसी पानी बहता रहता है या मटेरियल बहता रहता है, नेचुरली चलता रहता है। दूसरा बेनिफिट जो इसका होता है वो है वेस्ट रिडक्शन होती है। वेस्ट रिडक्शन कैसे होगी, जब मैं पुराना माल कंज्यूम कर लूंगा टाइमली और नया वाला माल बाद में कंज्यूम करूंगा तो चांस कम है कि पुराना वाला माल जो है वो खराब हो जाए या उसका अगर कोई शेल्फ लाइफ का आइटम है तो वो एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर हो गया तो भी हमारे लिए खराब है, और उसमें जंग लग गया, टूट गया, कचरा आ गया तो भी हमारे लिए बिल्कुल खराब है। तीसरा क्या फायदा है कि हम मार्केट के साथ बने रहते हैं। आप लोग भी अपनी कंपनी के अंदर या अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो कि फीफो और लीफो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट है। हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम फीफो सिस्टम इम्प्लीमेंट करें अपनी कंपनी के अंदर ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो टाइमली मूव हो और हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है वो कम हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंदर हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी देते हैं इन सारी चीज़ों की। और हम जो है किसी कंपनी के अंदर स्टोर को पूरा जीरो से लेके 100 तक पूरा इम्प्लीमेंट करा सकते हैं सारे सिस्टम से रिलेटेड, ताकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो फास्ट मूव हो, इन्वेंट्री की कॉस्ट कम रहे और फीफो सिस्टम वगैरह जो भी मतलब सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो। तो कभी अगर आपको अपने कंपनी के स्टोर के अंदर इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।